मोदी सरकार का अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को समाप्त करने का फैसला एकदम ठीक था। भारत में शामिल होते ही जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी। इसका संविधान भारत के संविधान के अधीन था। सीजीआई चंद्रचूड़ ने 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार के आए फैसले को सही तो बताया, लेकिन यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक या उससे पहले चुनाव कराए जाएं और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने की जरूरत नहीं थी। आर्टिकल 370 पर सुनवाई के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में कौन सी बड़ी बातें कही, सुनवाई का लब्बो लुआब क्या रहा, सब कुछ विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 4 साल 4 महीने और 6 दिनों की मैराथन कानूनी बहस के बाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की खंडपीठ ने 5 अगस्त 2019 को उठाए गए मोदी सरकार के उस कदम को सही करार दिया जिसमें अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को समाप्त कर दिया गया था। अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के लिए 5 जजों की खंडपीठ गठित की गई थी जिसकी अगुवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत समेत 5 जज इस संविधान पीठ के सदस्य थे। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी और अन्य कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलील पेश की। फैसला सुनाने की शुरुआत करते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ कर दिया कि अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने अपना अपना फैसला सुनाया है। 5 जजों की बेंच में 3 अलग फैसले थे मगर निष्कर्ष एक ही था। अनुच्छेद 370 को स्थायी व्यवस्था कहने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अनुच्छेद 370 पर अपना फैसला सुनाते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, केंद्र राष्ट्रपति की भूमिका के तहत सरकार की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। याचिकाकर्ताओं की दलील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद या राष्ट्रपति उद्घोषणा के तहत किसी राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने आगे कहा, भारत में शामिल होते ही जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी। जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता भी नहीं थी। इसका संविधान भारत के संविधान के अधीन था। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 खत्म करने की शक्ति थी। सीजीआई ने अपने फैसले में और भी कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को वो सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश देते हैं। साथ ही सीजीआई ने कहा कि केंद्र के इस कथन के मद्देनजर कि जम्मू कश्मीर को अपना राज्य का दर्जा फिर से मिलेगा, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक या उससे पहले चुनाव कराए जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, सीजीआई चंद्रचूड़ के इस कथन पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। द ललन टॉप की नज़र इस पर आए हर अपडेट पर बनी हुई है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सारी जानकारी मेरे साथी दुष्यंत ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।